हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, प्रिय पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक मामला जूना अखाड़े का किसी का संन्यास लेने का आया है। मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो सरकार भी अंतिम इच्छा पूछती है कि भाई जिसको भी फांसी हो जाती है लोकतंत्र में उसको भी अंतिम इच्छा पूछा जाता है। अब मान लीजिए कोई अपराधी है और वो अपराधी कहता है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मरने वाला हूँ, मेरी उम्र कैद हो गया, मैं मरने वाला हूँ, और मान लीजिए किसी साधु ने संन्यास दे दिया, तो ऐसा इसमें कोई देश दोष नहीं है। कहते हैं कि एक साधु का भी अतीत होता है, एक पापी का भी भविष्य होता है। और मान लीजिए प्राचीन समय में बहुत से शास्त्रों में हमारे ऐसे डाकू हुए जो बाद में साधु बन गए हैं। श्रीमान हरिगिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के संरक्षक अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, हरिगिरी जी महाराज ने ये बात बोला है, कहा है कि मान लीजिए कि हमारा 7 सदस्यों का कमेटी गठित किया है जिसमें मैं भी उसमें हूं, तो उन्होंने कहा है कि 7 दिन में जो भी दोषी होगा, मान लीजिए इसमें कुछ पैसा दिया लिया है या कोई और कोई मामला है, तो ये सब जांच होने के बाद में अगर मान लीजिए ऐसा कोई साधु दोषी पाया जाएगा तो उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। और हमारे भारत में संविधान है, कानून है, तो कानून सजा देगा उसको। पत्रकार बंधुओं से विशेष रूप से निवेदन है कि उसको बढ़ावा ना दे। अभी हम लोग का 7 दिन के लिए अभी और कल ही समिति गठित हुई है, 7 दिन में इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये सभी आपके सामने सब चीजें आ जाएगा। इसमें बहुत से राजनीतिक लोग भी अपना अपना बयान देने लगे हैं, तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी, हमारा जूना अखाड़ा हमेशा से बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है, भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा भूमिका है उनकी, भारत को, कल्चर को, संस्कृति को बचाने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे आज भी साधु रहते हैं। कोई चाहे रोड के किनारे बैठा हो, चाहे किसी स्थान में बैठा हो, तो वो भिक्षा लाकर लोगों को, उनका दादा सदासु की वस्त्र का दादा कमलावती। हमारा जूना अखाड़े का मूल मंत्र है कि जो नंगा है उनको कपड़ा दो, जो भूखा है उसको अन्न दो, और ये हम लोग हमेशा से करते हुए आए हैं। हमारा साधु विभूति लगा के कहीं धुने के में पेड़ के नीचे बैठा है, 4 लोग आ गया तो उनको खाना खिलाना, वो किसी की जाति नहीं पूछता, किसी का धर्म नहीं पूछता, वो हमेशा से भारत के अंदर में कार्य में, भारत के उत्थान में और भारत के प्रति समर्पित भाव में लगा रहता है। श्री महंत हरिगिरी जी के संरक्षक है हमारे, महाराज श्री का कहना है कि जूना अखाड़ा कभी भी कोई भी जो राष्ट्र विरोधी कार्य है उसमें कभी भी सम्मिलित नहीं है और हमेशा से भारत के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले हैं। राष्ट्र के लिए हमने बलिदान भी दिया है हमारे बहुत से नागाओं ने, तो जूना अखाड़ा की बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा है। श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़े की बहुत गौरवशाली परंपरा है। तो पत्रकार बंधुओं से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से निवेदन है कि जब तक जो इस जांच कमेटी की पूरी सही रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक आप कोई भी खबर प्रकाशित करने का कष्ट ना करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।